नमस्कार। हम सबको अपने जीवन में अमर्यादित धन चाहिए, ऐसा धन जो हमको अल्टीमेट पावर दे या वैसी पोजीशन जहाँ से हम जो चाहे वो कर सके, वो पावर या वो प्रेस्टीज या वो मनी हम सबको चाहिए। वो पावर, वो प्रेस्टीज या वो पैसा कैसे हमारे जीवन में आ सकता है और कैसे जा सकता है, वह दर्शाती हुई एक कथा महाभारत में आती है। हुआ यूं के वृत्तासुर का वध करने के बाद देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वो पाप उनको इतना त्रस्त करता है कि उससे छुटकारा लेने के लिए देवराज इंद्र एक सरोवर में छिप जाते हैं। देवता देवराज इंद्र को काफ़ी समय तक ढूंढते हैं, लेकिन देवराज इंद्र को वो लोग ढूंढ नहीं पाते। अब इंद्र की पोजीशन को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता, तो किसको स्वर्ग का सिंहासन दिया जाए या किसको देवों का राजा इंद्र बनाया जाए, किसको ये पोस्ट दी जाए, उसके बारे में देवताओं के बीच चर्चा होती है। और ये कंक्लूड होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पुण्य हो वैसे व्यक्ति को इंद्र की पोस्ट देनी चाहिए, और जो पुण्यशाली हो और जो श्री से युक्त हो वैसे व्यक्ति की सिलेक्शन करने के लिए सभी लोग निकलते हैं। और काफ़ी चर्चा विचारणा के बाद राजा नहुष को सिलेक्ट किया जाता है। आप महाभारत का श्लोक देखें, अयम वे नहुषः श्रीमान देव राज्य अभिश्चयताम। सो अगर हम इस सूत्र को समझे तो एक बात तो यहाँ पर तय हो जाती है कि जितनी बड़ी पोस्ट हमें चाहिए उतना पुण्य हमें करना चाहिए। पुण्य की करेंसी से ही हमें पोस्ट मिलती है। अब जब हम आगे स्टोरी देखेंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि पुण्य की करेंसी से ही पोस्ट मिलती भी है, और जब पुण्य खत्म हो जाए तब वो पोस्ट चली भी जाती है। स्टोरी को आगे देखते हैं। अब शुरू शुरू में तो सब सही चला, लेकिन समय जैसे जैसे जाता गया नहुष का वर्तन अहंकारी से मदांध होता चला। उसको ये लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ पुण्य कर्म वह पाप कर्म करने लगा। बात यहाँ भी नहीं रुकी, एक दिन घूमते घूमते उन्होंने इंद्र की पत्नी शची को देखा, और शची को देखने के बाद उसको प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में जागृत हो गई। उसने अपने एक दूत को भेजा और शची को यह मैसेज कन्वे करवाया कि अब देवराज इंद्र मैं हूँ, तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना चाहिए। अब ये बात सुन के शची धर्म संकट में आ गई, क्योंकि इंद्र की पोस्ट राजा नहुष को दी गई थी ताकि तीनों लोगों का जो एक तरह से मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से हो पाए, तीनों लोग की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से बनी रहे, इसीलिए उसको इंद्र की पोस्ट दी गई थी। और जैसे ही वो इंद्र बना तो शची अपने आप इंद्राणी हो गई, तो उसकी पत्नी वो हो ही जाएगी। और जो उसका खुद का पति था वह काफ़ी समय से लापता था, तो जब तक ये तय ना हो जाए कि वह है ही नहीं, तब तक वो अगर किसी अन्य को पति की तरह चुनती है तो इंद्राणी की जो पोस्ट थी उसके अंदर जो कहा गया था वह पत्नी व्रत का पालन नहीं होगा और उससे वह च्युत हो जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए यह समझने के लिए वह देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। बृहस्पति पूरी बात को समझते हैं, और वो भी काफ़ी समय से ये देख रहे थे कि नहुष जो है उसका जो एटीट्यूड है बहुत ही नेगेटिव हो रहा है, उसकी पुण्य की जो करेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने एक यूनिक डिमांड रखने के लिए शची को कहा। शची ने भी अपना दूत भेजा और नहुष को ये कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक डिमांड है, और ये छोटी सी डिमांड ये है
कि जब तू शादी करने के लिए आए तब एक यूनिक पालकी होनी चाहिए और उस पालकी को ढोने का काम, उसको उठाने का काम सप्तर्षि करने चाहिए, जो हमारे सात ऋषि हैं वो करने चाहिए। अब नहुष इतना अहंकारी हो चुका था कि उसको पता ही नहीं था क्या अच्छा क्या बुरा, किसके साथ क्या करवाना चाहिए, उसकी विवेक बुद्धि थी ही नहीं, और जो चाहिए वो चाहिए इमीडिएट ही चाहिए, उस तरह का वो एटीट्यूड था उसका। तो उन्होंने सप्तर्षि को आज्ञा दी। अब सप्तर्षि की पोस्ट पर जो होते हैं वो इतने निरहंकारी होते हैं, राग द्वेष से वर्जित होते हैं कि पूरी सृष्टि की व्यवस्था बनी रहे, उसीलिए उन्होंने ये अनयूजुअल डिमांड थी लेकिन फिर भी स्वीकार कर ली। अब सप्तर्षि उसकी पालकी को ढो रहे हैं, नहुष पालकी के अंदर बैठा हुआ है। सप्तर्षि के पास पालकी को उठाने का कोई अभ्यास तो था ही नहीं, ऑन टॉप ऑफ इट वो काफ़ी कंपेशनेट या करुणामय थे, तो उनके चलने के कारण उनके पैरों के नीचे कोई चींटी या कोई अन्य जीव न आ जाए, वह देख देख कर वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अब क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में देरी हो रही थी और नहुष को तो जो भी चाहिए वो इमीडिएट ही चाहिए, तो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इंद्र की पोस्ट में नहीं करना चाहिए, उस तरह के अशोभनीय शब्दों का उपयोग वह सप्तर्षि के लिए करता है। इतना ही नहीं, बैड वर्ड्स बोलने के बाद भी जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अब जल्दी जल्दी को संस्कृत में कहा जाता है सर्प सर्प, शीघ्र चलो शीघ्र चलो, और शीघ्र चलो शीघ्र चलो सर्प सर्प ये बोलते बोलते वो अपने पैरों को भी पटक रहा था। अब इसी तरह से पैर पटकते पटकते उसका पैर अगस्त्य ऋषि के सिर पर लग जाता है। कुछ अन्य ग्रंथों में अगस्त्य ऋषि की जगह पर यह कहा गया है कि भृगु ऋषि के सर पर पैर लगता है। महाभारत में हालांकि अगस्त्य ऋषि का ही उल्लेख है। सो अगस्त्य ऋषि के ऊपर उसका पैर लगने के कारण और पूरे वृतांत के बारे में सप्तर्षियों को पता ही था, तो अब अगस्त्य ऋषि नहुष को उसकी रियलिटी का भान कराने के लिए, उसकी रियलिटी को समझाने के लिए पालकी को साइड में रख देते हैं और ये कहते हैं कि हे नहुष, तेरे पुण्य कर्म अब खत्म हो चुके हैं, तू हमको सप्तर्षि को सर्प सर्प कह रहा है, तो जा, तू अब 10,000 ईयर्स के लिए पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा सर्प या अजगर बन के जन्म लेगा और वहीं पर रहेगा। आप महाभारत का श्लोक देखें, ध्वंस पाप परिभ्रष्ट क्षीण पुण्यो महितलम, दश वर्ष सहस्त्राणी सर्परूप धरो महान। कथा का सार यही कहता है कि पुण्य कर्म से ही अल्टीमेट वेल्थ या अल्टीमेट पोजीशन मिलती है। बात यहाँ पर भी नहीं रुकती, पुण्य कर्म से ही अल्टीमेट वेल्थ मिलती है या अल्टीमेट पोजीशन मिलती है, लेकिन जब वो पोजीशन या जब वो वेल्थ मिल जाए तब भी हमें पुण्य कर्म करना कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये पुण्य कर्म करना कंटिन्यू नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी पुण्य की करेंसी ख़त्म हो जाएगी, हम वापस जहाँ पर थे वहीं पर पहुँच जाएंगे, जो वेल्थ हमारे पास थी वह वेल्थ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको अल्टीमेट वेल्थ चाहिए तो आपको चाहिए कि आपकी पुण्य कर्म को, आपके पुण्य कर्म को आप बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही अल्टीमेट वेल्थ या फिर मटेरियलिस्टिक वेल्थ बढ़ती जाएगी। शुभम भवतु, प्रणाम।